बिहार के पूर्वी चंपारण में ट्रेन में भीषण आग लग गई। रक्सौल से नरकटियागंज के बीच चलने वाली यात्री ट्रेन संख्या 05541 के इंजन में आग लग गई। रविवार सुबह भेलाई स्टेशन के पास पुल संख्या 39 के पास जैसे ही ट्रेन पहुंची, उसमें से भयानक लपटें नजर आनी शुरू हो गई। आग लगने से ट्रेन पर सवार यात्रियों में अफरा तफरी मच गई। आग इतनी तेज थी कि लपटें और धुआं काफी ऊंचाई तक उठ रहे थे। हालात बहुत भयावह थे, लेकिन इसे कंट्रोल कर लिया गया। ड्राइवर ने बेहद सूझबूझ का परिचय दिया और आग को बढ़ने से रोक दिया। भिलाई स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने पर गाड़ी को रोक दिया गया था। आनन फानन में ट्रेन के इंजन काट कर अलग कर दिया गया और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया गया। दमकल की गाड़ी को घटनास्थल पर आग बुझाने के लिए भेज दिया गया था और उसके बाद आग पर काबू पाया गया। अभी तक आग लगने के कारण स्पष्ट नहीं हुए हैं। घटना में किसी के हताहत की भी सूचना नहीं है। जानकारी मिली कि ट्रेन रुकने के बाद सभी यात्री ट्रेन से बाहर निकल गए। ये ट्रेन सुबह 5:10 पर रक्सौल से नरकटियागंज के लिए खुली थी। आग बुझाने का काम अभी भी जारी है। रेलवे RPF और GRP के अधिकारियों के साथ सुरक्षा बल मौके पर तैनात है।